और दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको चीज़ चटनी सैंडविच की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हो। ये देखिए हमारा चीज़ चटनी सैंडविच, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। आप हमारी रेसिपी ट्राई करना, हमारे वीडियो का अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने तीनों ब्रेड पर चटनी लगा ली है और चीज़ डाल देंगे, ऊपर से चीज़ ऐड कर देंगे। अमूल का लिक्विड चीज़ अमूल का यूज़ कर रहे हैं हम, आप कौन सी कंपनी का भी कर सकते हो। ये देखिए हरी चटनी हमने धनिया और पुदीने को पीस के बना रखी है अच्छे से। ये देखिए एक के ऊपर एक रख लेंगे सैंडविच ब्रेड। सैंडविच मेकर में सैंडविच को ग्रिल्ड कर लेंगे। देखिए सैंडविच को अच्छे से ग्रिल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा सैंडविच एक साइड से ब्राउन ब्राउन होने लगा है अच्छे से। इसके ऊपर बटर ऐड कर देंगे हल्का सा ब्राउन होने के बाद। ये देखिए बटर ऐड कर दिया अच्छे से, दोनों साइड बटर ऐड करेंगे। दूसरी साइड भी हमारा सैंडविच ब्राउन ब्राउन हो गया है, दोनों तरफ बटर ऐड कर देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छी तरह से ग्रिल्ड कर रहे हैं हम सैंडविच को। आज हम चीज चटनी सैंडविच की रेसिपी बता रहे हैं। ये देखिए हमारा सैंडविच अच्छी तरीके से ग्रिल्ड हो गया है, इसको चार भागों में हम कट कर लेंगे। ये देखिए चीज चटनी सैंडविच को हम चार भागों में कट कर लिया है हमने। इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, सर्व होने के लिए तैयार है ये प्लेट में अच्छी तरीके से। आप भी दोस्तों बड़ी आसानी से घर पे इसको बना सकते हो। चीज़ चटनी सैंडविच बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे मोजरेला अमूल की। ये देखिए अच्छे से चीज़ ऐड कर दी हमने। ये देखिए हमारा सैंडविच बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर जीरा वन ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए।